नमस्कार किसान साथियों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई ट्रैक्टर के बारे में, जो कि डीजल की बजाय बैटरी पर चलेगा और किसान के खेती मशीनरी के खर्च को कम करेगा। और दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा इस पर कितनी सब्सिडी व ट्रैक्टर्स की क्वालिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहें इस वीडियो के लास्ट तक ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुँच सके। और अगर आप फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, डीजल का प्राइस पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 25 रुपये तक बढ़ गया है और किसान को औसतन 1700 से 1800 रुपये पर एकड़ का खर्च ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कंपनीज़ के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का प्रावधान किया गया है, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल की खपत कम हो सके और सरकार द्वारा भी इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रोविज़न रखा गया है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों इस पर 25% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आइए सब्सिडी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जुबानी। ई ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाते से वो डीजल से नहीं चलेंगे, बल्कि ई ट्रैक्टर इस नाते से उनका एक प्रावधान निकला है। तो ई ट्रैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इसका आज 600 दिन हुए हैं तो 600 पहले ट्रैक्टर्स उनको अप्लाई करना होगा। 3 महीने यानी अभी हम जून में हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक जो लोग ट्रैक्टर बुक कराएंगे खरीदना चाहेंगे उनको ई ट्रैक्टर पर 25% का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, 25% सब्सिडी 600 किसानों को दी जाएगी जो सितंबर तक अपना ट्रैक्टर बुक करवा लेंगे। अब ट्रैक्टर के प्राइस और क्वालिटीज़ को भी थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों, सोनालिका कंपनी जो कि इंडिया में फार्म ट्रैक्टर के लिए काफ़ी फेमस है, कंपनी ने इंडिया का पहला ई ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो सोनालिका टाइगर इलेक्ट्रिक के नाम से है। इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख के करीब है और 25% सब्सिडी के साथ ये आपको 4,50,000 के करीब पड़ेगा। ये ट्रैक्टर 35 HP की रेंज में यानी 35 HP की रेंज में आएगा और इसकी पावर और टॉर्क बिना RPM गिरे खेत में अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ऐसा कंपनी का दावा है। इस ट्रैक्टर की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी और 2 टन ट्रॉली के वेट के साथ ये एक बार चार्ज करने के बाद 8 घंटे का बैकअप आपको खेत में देगा। और इसको चार्ज करने के लिए रेगुलर चार्जिंग सॉकेट यूज़ किया जा सकता है जो कि 8 से 10 घंटे तक इसको चार्ज कर देगा। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन लेना है तो उसके चार्जेस अलग से देने होंगे जो सिर्फ 3-4 घंटे में इसको चार्ज कर देगा। इस ट्रैक्टर को सोनालिका के होशियारपुर पंजाब में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये ट्रैक्टर फ्यूल का खर्चा तो कम करेगा ही और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा क्योंकि ये बिना धुएं और आवाज़ के काम करेगा। इस ट्रैक्टर को बागवानी, पॉली हाउस और खेत के 35 HP वाली कैपेसिटी में अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। गो ग्रीन विद ग्रीन एनर्जी। थैंक यू।